हेलो, अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। अज दा जिहड़ा साडा टॉपिक है वह पंजाबी शायरी दियां क्लासिक ही सिनफां ने, जिहड़ी क्लासिकीयत आखदे ने, जिहड़ी सदा बहार होवे, सदा जीवत रहे, जिहनूं कदी जवाल ना आवे और हर समय ते ओह पूरी उतरे। क्लासिकल सिनफां विच आ जांदी है सी हरफी, वार, बारामां, काफी, सतवारे, अठवारे, गंडा, बंद, ख्याल। ते असी जड़ा अज पढ़ना है वह शलोक है। शलोक जड़े ने पंजाबी शायरी की बहुत पुरानी बुनतर है। शलोक आदि ग्रंथ राही बाबा फरीद, बाबा नानक ते होर भगतां दे रचे हुए साढ़े तक कपड़े ने। शलोक दी अड्डो अड्ड तारीफा शायरा ने कीतियां ने। मौला बख्श कुश्ता शलोक बारे पंजाबी शायरा दा तस्करा विच लिखदे ने, असल लफ्ज़ है शैलोक, बादशाह दी दुनिया, कलामुल मलिक। मतलब है कि एक ख्याल नूं संकोच के थोड़े जे लफ्जां विच बयान करना, ए दो मिसरे दे वी हुंदे ने। अब्दुल गफूर कुरैशी होरी एदे बारे आखदे ने, असल लफ्ज़ शैलोक यानी बादशाह दी दुनिया। मतलब है कि शलोक सूफियां दरवेशां दी शायरी दा बहर है, जेड़ा बाबा फरीद दे जमाने तो अपनी ताजगी, ठक ठेठ, सियानप, असत रस दे लिहाज नाल बारावनी दे सोने वांगू ढलका मारदा ते लश लश करदा, ज्यों दा त्यों कायम है। बाबा फरीद दे शलोक जड़े ने ओ साड़े पंजाबी अदब विच बड़ी अहमियत रखदे ने। और बाबा फरीद ओ पहले मोडी शायर ने जिन्हां ने क्लासिकी शायरी नूं मुतारफ कराया। बाबा फरीद दा शलोक दो मिसरियां दा हुंदा है। इंदे च जीवन दियां हकीकतां दा सारा नक्शा उलीकिया हुंदा है, दुनिया दियां जड़ियां बारीकियां ने और जड़ियां बाबा फरीद दियां तालीमात ने, सब दियां सब इंदे विच सानूं विखाली देंदियां ने। उन्हां दा इक बंद है के ओ अखां जिहड़ियां जग विच दिल मोह लैण वालियां सन, अज ओ अखां जिहड़ियां कज्जल दी रेख नहीं सहिंदियां सन, ते अज उहनां च पंछियां ने आलने बनाए होए ने। फरीदा जिन लोयन जग मोया, सह लोयन मैं डिठ, कज्जल रेख न सहिंदियां सह पंखी सोए बैठ। बाबा फरीद दा इक होर शलोक है। शलोक नूं असल च बोल भी आख्या जांदा है। ए हकीकत भी तर्जुमानी करदे ने। बाबा फरीद नमाज बारे दसदे ने, लुकाई नू फरीदा बे नमाजा उत्या, ए ना भली रीत, कदे चल ना आयो तू पंजे वक्त मसीत। एक होर थां आखदे ने के फरीदा कोठे मंडम माड़िया, इत न लाइये चित, मिट्टी पई अतोलवी कोई ना हो सी मित। के अखीर मौत आ जानी है ते इंसान ने कबर च जाके समा जाना, कबर च बैठ जाना। ए महल माड़िया, ए कोठे मंडप, ए मालो जायदाद बंदे दे काम नहीं आमना। और एक जगह ते होर सबर और शुक्र दी तलकीन करदिया होया बाबा फरीद एक शलोक विच दसदे ने, फरीदा रोटी मेरी काट दी, लावन मेरी भूख, जिन्ना खादी चोपड़ी घने सहनगे दुख। इस तरह बाबा नानक जी दा शलोक भी वेखो, कुदरत कर कर के वस्या, सोए वक्त विचारे सो बंद होए, कुदरत है कीमत नहीं पाए, जा कीमत पाए ता कहीं न जाए। ए सन शलोक। शुक्रिया।